हेलो व्यूअर्स, ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बिकॉज आई एम बैक आफ्टर 2 months, 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने हो गए तब से जब से मैंने अपना लास्ट वाला वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे। वजह ये कि आई वॉज लॉक्ड आउट ऑफ माई चैनल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मैं अपने चैनल पे कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं अपने चैनल पे वीडियोज़ अपनी अपलोड नहीं कर पा रहा था, अपने चैनल के कमेंट्स को वापस जवाब नहीं दे पा रहा था, मतलब कि मैं कुछ भी अपने चैनल पे कर नहीं पा रहा था। वो क्यों? क्योंकि मुझे एक्सेस ही नहीं मिल रहा था अपने चैनल का, मुझे उससे अपने ईमेल से हटा दिया गया था भाई गूगल। वजह क्या थी वो भी बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप कभी इस परेशानी में ना पड़े। ये 2 महीने मेरे लिए बहुत ही टेंस थे, बहुत ज़्यादा टेंस। 2 साल से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ और अब जाके कुछ थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं और वॉच टाइम भी थोड़ा बढ़ने लग पड़ा है और अब ये हो गया था। प्रॉब्लम ये है कि गूगल या कहें कि जीमेल आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शंस ही नहीं देता है अगर आप फंस जाएं ऐसे सिचुएशन में। और आप जानते ही हैं यूट्यूब तो गूगल का ही एक अंग है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही फ्लैट के अपने ही ताले की चाबी लेके उसे खोल रहा हूँ। ताला तो खुल जा रहा है मगर दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है। हुआ यह कि 2 महीने पहले मैं अपने यहाँ पे काम कर रहा था अपने चैनल पे, तो सब ठीक था, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। लौट के जब मैं आया और फिर से एक्सेस किया मैंने अपना चैनल, तो वहाँ पे लिखा हुआ मिला कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है आपके ईमेल पे, मतलब कि चैनल पे किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की है, तो इसलिए हमने आपका ये ईमेल बंद कर दिया है, तो आप फिर से लॉगिन कीजिए। तो मैंने किया क्योंकि मैं अपना ईमेल आईडी तो जानता ही था, सब जानते ही हैं, कहीं लिख के रखते हैं अगर बुलक्कड़ हो। तो मैंने वो डाला, करेक्ट पासवर्ड भी डाला, रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, मगर वो बोलने लगे हम आपको वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये अकाउंट आप ही का है। अरे भाई, अपने ही डिवाइस से जिससे मैं अभी लॉग्ड इन था उसी से लॉग इन कर रहा हूँ, वही नेटवर्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही ईमेल आईडी मैं लॉग इन कर रहा हूँ और वही पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। नहीं जी, कितनी बार मैंने सारे तरीके आजमा लिए, बिल्कुल भी एक्सेस नहीं मिला। बहुत परेशान हो गया मैं। उसके बाद मैंने बहुत पापड़ बेले, पर मैंने किया क्या वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में अपने। वो इसलिए कि मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हुआ क्या था, मैंने किया क्या और क्या आपको नहीं करना चाहिए और करना चाहिए जिससे आप ऐसी परेशानी में न पड़ जाएं। बहुत क्या बताऊं मैं, आप ही सोचिए, आपका चैनल हो या आपका ईमेल हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बिजनेस ईमेल है, या आपके गूगल ड्राइव पे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या जो भी कुछ है, या आपका चैनल है या आपका ब्लॉग है जो लिखते हैं ब्लॉग टाइप करके, आपका एक्सेस उससे हट जाए, आप उस पर काम ना कर पाए, आपने सालों से काम किया हुआ उस पर और अचानक आप उससे अलग हो जाएं, तो क्या हालत होगी।
ये वीडियो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए बनाया है क्योंकि उनमें से बहुत सारे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे और बाकी जगह कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूँ। उनको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जहाँ कई लोग जिनसे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था वो मुझसे पूछ रहे थे कि बात क्या थी कि मैं एक्टिव नहीं हूँ अपने चैनल पे। वहीं पे कुछ चंद, खास करके एक, उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा, जबकि मैंने उन्हें बताया भी था कि क्या हुआ है। कम से कम पूछ ही लेते कि किया क्या, और अगर उनको उनके पास कोई आइडिया होता तो वो बताते मुझे। बस उनका ही थोड़ा सा मलाल है, बाकी तो सब चलता है। जो दिल के ज़्यादा पास हों उनका ज़्यादा बुरा लगता है ना। चलिए छोड़िए ये सब, हम आज का ये वीडियो कंक्लूड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए झूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।